पुलिस अधीक्षक बदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद के रास्ते अवैध शराब मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। 3 मार्च 2024 को प्रातः स्क्वाड टीम व थाना ओराई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहनों की चेकिंग के दौरान शराब तस्करों के वाहन का पीछा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कोठरा ओवरब्रिज के पास से व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त गिरोहों के 2 अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं गिरफ्तार शुदा शराब तस्करों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगे 10 पहिया ट्रक वाहन को जब्त किया है। वहीं शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर वाहन मालिक व गिरफ्तार शुदा अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करों के विरुद्ध कई धाराओं के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद भदोही पुलिस जो है शराब तस्करों पर लगातार पैनी नजर रखे हुए है। विशेष तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए जो शराब पश्चिम यूपी और पंजाब हरियाणा से आता है और इस रास्ते से जा कर के बिहार जाता है, उस पर नकेल कसने के लिए हमारी स्वॉट और सर्वेलांस टीम लगातार लगी हुई है और इसी में थाना ओराई की टीम और स्वॉट सर्वेलांस की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि पंजाब से लाई गई शराब जो कि लगभग 7,000 लीटर है और इसकी अनुमानित कीमत जो है 65 लाख है और इसके साथ जो वाहन बरामद हुआ है, वाहन के साथ इसकी टोटल कीमत 1.5 करोड़ के करीब है और इसमें 2 अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं, शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। वाहन स्वामी अभी वांछित है लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर भी काम किया जा रहा है और इसमें चूँकि फर्जी नंबर प्लेट यूज़ करते थे और इसलिए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे भी जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और शराब तस्करों पर नकेल कसा जाएगा।